गोरखपुर जिले में शुक्रवार को नए 179 कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,395 पहुंच गई है, जिनमें 9,199 मरीजों का इलाज हो चुका है, वह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वहीं 3,040 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से 61 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतिका संत कबीर नगर की निवासी बताई जा रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को जो संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 85 और ग्रामीण क्षेत्र में 81 सहित 13 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में जो संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 22, कैंट क्षेत्र में 26, राजघाट क्षेत्र में 2, गोरखनाथ क्षेत्र में 13, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 6, चिलवा ताल क्षेत्र में 4, कोतवाली क्षेत्र में 10 व गुलरिया क्षेत्र में 2 मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो 81 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं, उनमें भटहट क्षेत्र में 5, चरगावां क्षेत्र में 13, खडनी क्षेत्र में 11, पिपरौली क्षेत्र में 3, उरवा क्षेत्र में 1, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 1, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 10, खोराबार क्षेत्र में 24, सैजनवा क्षेत्र में 2, कैंपियरगंज क्षेत्र में 1, पाली क्षेत्र में 1, गोला क्षेत्र में 2 सहित अन्य 13 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है।